देवताओं ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, आप क्रमशः देशकाल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों से अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि का शास्त्रोक्त फल से सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। जहाँ बेल, तुलसी आदि पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वहाँ स्थान जलाशय के तट से 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान समझना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट, उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा, उससे 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है, और पर्वत के शिखर का प्रदेश महासमुद्र से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ है, अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि का कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए, और आधा कलयुग बीतने पर उस 1/4 फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विषुव नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव में 10 गुना अधिक माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में, और उससे 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण के समय सबसे उत्तम है, उसमें किए हुए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्व मात्रा में होता है। इस बात की विज्ञ पुरुष जानते हैं, जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करें। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यपद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाना चाहिए, परंतु महापुरुषों के संग का कल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी तथा ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को दान देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता है अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग किया गया है। वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है, जो दूसरों को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरों को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसीलिए दान, जप, ओम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्धि पात्र होता है। ऐसा ब्राह्मण ही दान और रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो
उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दान का उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसा महर्षियों की मान्यता है कि जो सवाल या याचना करने की बात दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला होता है। अपने सेवक को दिया हुआ दान एक चौथाई फल देने वाला होता है। विप्रवरु, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्वक वृत्ति से जीवन बिता रहा है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं की वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्य धन शुद्ध द्रव कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ धन, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से किया प्राप्त हुआ धन उत्तम द्रव कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता अथवा पति से मिला हुआ होता है उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं से चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, दान, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये सभी 12 वस्तुएं होती हैं। इनमें गौदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान इंद्रलोक और परलोक की प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला होता है। तिल का दान बलवर्धक और मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्णा का दान जठार अग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक होता है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्य धन की समृद्धि का कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण के दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि के लिए, सिद्धि के लिए होता है। विद्वान पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं के श्रवण आदि इंद्रियों से तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। श्रोत आदि 10 इंद्रियों को जो शब्द आदि इस 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्रों के गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध कराने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है। जो सर्वथा दरिद्र है, इसलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, वह वाणी अथवा कर्म द्वारा यजन करे। मंत्र, स्रोत और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवतार्पण बुद्धि से जो किया हुआ हो अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या, दान, ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए। ऐसा ग्रह दान का योग करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान को विद्वान पुरुष यह लोक और परलोक में उत्तम जन्म तथा सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है।